ठीक है, एविडेंसेस फ्रॉम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो जरा ध्यान दीजिएगा, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री क्या कहती है। सबसे पहली बात, ट्रिप्सिन इन ऑल एनिमल किंगडम, ट्रिप्सिन, ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कहां पाया जाता है? इन ऑल एनिमल किंगडम, ये सारे के सारे एनिमल किंगडम में देखने को मिलता है। सारे एनिमल किंगडम में ट्रिप्सिन है। क्या बता रहा है? कि सब एक दूसरे से को रिलेटेड है। नेक्स्ट, पेप्सिन इन ऑल वर्टीब्रेट, जो वर्टीब्रेट्स हैं उन सब में पेप्सिन नाम का एक कॉमन एंजाइम है, सारे वर्टीब्रेट्स में है। क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है कि सारे वर्टीब्रेट्स एक दूसरे से इवॉल्व हुए हैं। तीसरा है क्रिएटिनिन फॉस्फेट, क्रिएटिनिन फॉस्फेट जो है फाउंड इन ऑल, फाउंड इन स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स इन ऑल वर्टीब्रेट, इन ऑल वर्टीब्रेट। अच्छा, सारे वर्टीब्रेट के स्केलेटल मसल्स में क्रिएटिनिन फॉस्फेट है, सारे वर्टीब्रेट के स्केलेटल मसल्स में क्रिएटिनिन फॉस्फेट है, तो क्या ये शो कर रहा है कि सब एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं। अगला है रोडोप्सिन इन ऑल हायर वर्टीब्रेट, रोडोप्सिन एक पिगमेंट है, रोडोप्सिन कहां पाया जाता है? ये तो रॉड सेल्स पे पाया जाता है स्पेशली, ठीक है ना। तो रोडोप्सिन क्या है? इन ऑल हायर वर्टीब्रेट, सारे हायर वर्टीब्रेट्स में रोडोप्सिन पाया जा रहा है। ये भी क्या बता रहा है कि सारे हायर वर्टिब्रेट्स एक दूसरे से क्या हैं? इंटरकनेक्टेड हैं या जुड़े हुए हैं। अगला बात है डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल, डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल। मेरे बच्चे, मोस्ट ऑफ द जो एनिमल्स हैं उनमें डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल, सब में डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि जी हाँ, सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ये सारे इवोल्यूशन के साक्ष्य हैं, प्रूफ है, प्रमाण है, जो ये बता रहे हैं कि सारा जो एनिमल है वो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। अगला है ये जो थायरोक्सिन नाम का हार्मोन है, थायरोक्सिन, ये भी जरा ध्यान सुनिएगा। थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये स्पेशली लोअर और हायर दोनों में पाया जाता है, लोअर और प्लस हायर वर्टिब्रेट दोनों में ये थायरोक्सिन नाम का हार्मोन्स पाया जाता है। थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो जो फ्रॉग का टैडपोल है उसमें डेवलपमेंटल अरेस्ट हो जाएगा, वो डेवलपमेंट नहीं करेगा, रुक जाएगा। तो एक बात बताओ, लोअर एनिमल्स में भी थायरोक्सिन है, हायर एनिमल्स में भी थायरोक्सिन है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि सारे एनिमल्स एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। एक बात और, अगर हम कैटल्स से इंसुलिन निकाल करके इंसानों में ऐड करें, कैटल्स से इंसुलिन लेकर के इंसानों में ऐड कर रहे हैं, तो भी उसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो कैटल से इंसुलिन लिया, इंसानों में ऐड किया, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्या बता रहा है? कि ये भी एक दूसरे से कहीं ना किसी प्रोटीन से इंटर कनेक्टेड है। और एक बात और, एटीपी जो है वो एनर्जी का सोर्स है, वो सारे जीवों में एटीपी एनर्जी का सोर्स हो, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो। तो ये सारे साक्ष्य क्या बता रहे हैं? ये सारे साक्ष्य बता रहे हैं कि जी हाँ, सारे एनिमल्स, सारे फाइलम, सारे क्लासेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और लास्ट टॉपिक आपका यहाँ पे है, स्पेशली बायोकेमिस्ट्री से ये रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा, ब्लड प्रेसिपिटेशन टेस्ट। ठीक है, आपको पता है कि ब्लड में एंटीजन्स हैं और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज मिलेगा तो वो क्लॉट करता है, एंटीजन एंटीबॉडीज एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जिसको जॉर्ज एच एफ नटल नाम के साइंटिस्ट ने इसको प्रूफ किया। इस एक्सपेरिमेंट में यह प्रूफ किया गया कि इंसान जो है वो सबसे करीब चिंपैंजी से है और मंकी उससे थोड़ा दूर है और डॉग उससे भी कहीं दूर है। मतलब अगर रिलेशन की बात करें तो इंसान और चिंपैंजीज के बीच काफी ज्यादा सिमिलरिटी फिजिकली नहीं, बायोकेमिस्ट्री के बेसिस पे भी मिल रहा है। हुआ यूं कि स्पेशली ह्यूमन का सीरम जो है वो इंजेक्ट कर दिया गया रैबिट और हॉर्स, ह्यूमन का जो सीरम था, ठीक है ना, स्पेशली सीरम, ठीक है ना, उसको ला करके रैबिट और हॉर्स में इंजेक्ट किया गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सीरम प्रोटीन्स की बात की जा रही है। अब रैबिट या हॉर्स में
उस सीरम के खिलाफ एंटीबॉडीज बने, एंटीबॉडीज अगेंस्ट सीरम, यानी ह्यूमन का जो सीरम लिया गया था, जो भी स्पेशली प्रोटीन्स थे उस सीरम के अंदर, उसके खिलाफ रैबिट और हॉर्स के शरीर में क्या बना, रैबिट और हॉर्स के शरीर में एंटीबॉडीज बना, ठीक है ना। फिर क्या किया गया कि उस ब्लड फ्रॉम हॉर्स या रैबिट, उस हॉर्स या रैबिट से ब्लड लिया गया और उसको बाहर क्लॉट कर दिया गया। जब बाहर क्लॉट कर दिया गया तो उसके अंदर से एंटी सीरम को अलग कर लिया गया, ठीक है ना। जो सीरम के खिलाफ एंटी सीरम या एंटीबॉडीज बने थे उसको यहां से क्या कर लिया गया, अलग कर लिया गया। अब जरा ध्यान देना, चार हमने टेस्ट ट्यूब लिए, एक टेस्ट ट्यूब में 50% मैन का ब्लड, दूसरे में चिंपैंजी का 50% ब्लड, तीसरे में मंकी का और 50% डॉग का ब्लड। 50-50 मतलब एकदम आधा आधा लिया गया, एकदम इक्वल रेशियो में लिया गया। तो हमने यहां पर ब्लड ले लिया एकदम 50-50, ठीक है ना। किसका ब्लड लिया, ब्लड, ब्लड फ्रॉम मैन, चिंपैंजी, ओके, और डॉग से 50-50 ब्लड ले लिया गया। फिर इस एंटी सीरम को चारों बॉक्सेस में ऐड किया गया। एंटी सीरम एक तरह के एंटीबॉडीज की तरह काम करेंगे, ठीक है, बात समझिएगा, है ही वो, ठीक है। अब इस एंटी सीरम को 50% ह्यूमन ब्लड में सब में ऐड किया गया, एंटी सीरम को चारों बॉक्सेस में टेस्ट ट्यूब में ऐड किया गया, तो पाया क्या गया, यहां पर हायर प्रेसिपिटेशन, हायर प्रेसिपिटेशन, हायर प्रेसिपिटेशन का मींस कि पहले वाला जो टेस्ट ट्यूब था उसमें ब्लड के बीच ज्यादा कोअगुलेशन, क्लंपिंग, जमना, जमाव देखने को मिला, जबकि चिंपैंजी में थोड़ा कम, मंकी में और भी कम, और डॉग के ब्लड में बहुत कम ही कोअगुलेशन हुआ, जमाव हुआ। एक बात बताओ, मैन के ब्लड में क्या था, सीरम था, और एंटी सीरम हम हॉर्स से लाए थे, तो एंटी सीरम और सीरम मिलके क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे से रिएक्ट किए, और मैन का ब्लड जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्लॉट किया, ज्यादा क्या, ज्यादा से ज्यादा क्लॉट करेगा। जबकि चिंपैंजी की बात करेंगे तो चिंपैंजी का जो ब्लड है, ठीक है ना, सीरम और एंटी सीरम इंसान से लिया गया। अच्छा, चिंपैंजी के सीरम से इंसान का एंटी सीरम बाइंड कर रहा है, इसका मतलब कि चिंपैंजी के जो ब्लड प्रोटीन है वो इंसानों के ब्लड प्रोटीन से ज्यादा मिलते जुलते हैं। तीसरे में मंकी का ब्लड लिया गया, मंकी के ब्लड में जब एंटी सीरम ऐड किया गया तो इसमें कोअगुलेशन, जमाव जो है चिंपैंजी से थोड़ा कम और मैन से बहुत ही कम हुआ। इसका मतलब क्या है कि मंकी का जो ब्लड है वो इंसानों के ब्लड प्रोटीन से काफी अलग है, और साथ ही साथ डॉग का जो ब्लड है वो इंसानों के ब्लड प्रोटीन से काफी अलग है, इसीलिए सबसे ज्यादा जमाव इसमें हुआ, थोड़ा कम चिंपैंजी में हुआ, मंकी में बहुत ही कम हुआ, और डॉग में भी बहुत कम हुआ। ये क्या बता रहा है कि मैन का जो ब्लड है और चिंपैंजी का जो ब्लड है उसके अंदर के जो प्रोटीन्स हैं वो काफी सिमिलर हैं। तो इस प्रकार से हमने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूफ किया कि इंसानों से सबसे ज्यादा जो करीब है वो कौन है, आपके चिंपैंजीज। मंकी हमसे ज्यादा दूर के रिश्तेदार हैं और डॉग और भी ज्यादा दूर के रिश्तेदार हैं।